31 मार्च 1969 को केरला के तिरुवनंतपुरम में प्रसाद नारायण का जन्म एक तमिल परिवार में हुआ था। नारायण की परवरिश दिल्ली में हुई और स्कूल के समय से प्रसाद पढ़ने में काफ़ी होशियार रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसाद नारायण कॉलेज के समय स्टेट लेवल के बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमला कॉलेज से पढ़ाई की। कॉलेज के दौरान नारायण बैडमिंटन चैंपियन थे। साल 1991 में नारायण दिल्ली छोड़ मुंबई पहुंच गए। उनकी नौकरी एड एजेंसी लगी थी। नौकरी के दौरान उन्हें मौका मिला, वो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने लगे। उन्होंने कई अलग अलग डायरेक्टर की असिस्ट किया। नारायण ने टेलीविजन पर स्टेडेड स्पेस फर्ज फुलवा, जाने कहां मेरा जिगर गया, सगुन, परिवर्तन, कभी कभी जैसे सीरियल में बतौर एक्टर नजर आए। टीवी से ही उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। साल 2002 में हंसल मेहता ने अपनी फिल्म छल में प्रसाद नारायण को पहला मौका दिया। ये सफल फिल्म थी जिसमें नारायण ने मुंबई अंडरवर्ल्ड माफिया का रोल प्ले किया था। नारायण ने हर फिल्म में अलग अलग अंदाज में अभिनय किया है जिसे देख लोग हैरान हुए हैं। उन्होंने वैसे भी होता है पार्ट 2, बॉम्बिला एंड बेटर लाइक मर्डर और मुद्दा जैसी फिल्मों की है। इन दिनों नारायण वेब सीरीज में भी नजर आने लगे हैं, लेकिन उनके पास प्रोजेक्ट काफ़ी कम है। नारायण का सबसे खूंखार रूप साल 2011 में आई फिल्म मर्डर 2 में देखने को मिला। इसमें उन्होंने साइको किलर का रोल प्ले किया था जो किन्नर बनकर लड़कियों को मारता है।